Okay. So welcome dear student, good evening to all, and welcome to the first lecture of metal forming. जैसे हमने पहले बताया था, आपके जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ मटेरियल साइंस था, देन मेटल फॉर्मिंग, मेट्रोलॉजी, देन वेल्डिंग एंड देन ऑटोमेशन, ठीक है ना। तो आज मेटल फॉर्मिंग की शुरुआत होगी, मेटल फॉर्मिंग की शुरुआत है। और भाई देखो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग कंजो, संचित, बोरो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नहीं कि क्योंकि ये गेट में इंपॉर्टेंट है, पर ये रेस्ट ऑफ द मेटल फॉर्मिंग के फंडामेंटल सेट करता है, ठीक है ना। तो शुरुआत में तो ये जैसे एक्सट्रूजन एंड वायर ड्राइंग आज कवर करेंगे हम, एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग कवर करेंगे हम। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने, वंस अगेन वन मोर थिंग, मेरे पास आई गॉट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस, उसमें आप लोग कुछ टीचर भी हैं, और सो ओके आई एम हैप्पी, टीचर को भी पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज और जो टीचर्स हैं, डिलीवरी राइट होनी चाहिए समहाउ। तो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट सम ऑफ यू आर टीचर्स, वेरी गुड। देखो जो मेरे पास जो मैसेजेस आए उसको थोड़ा सा 5 मिनट उसको डिस्कस करते हैं हम। पहला मैसेज मेरे पास आया एक दो स्टूडेंट का कि सर ये मटेरियल साइंस तो 2 नंबर का आता है गेट में, आपने 5 लेक्चर ले लिए इस पर इसका आंसर पता क्या है? ये पहला आंसर एड्रेस कर रहा हूं मैं। अगर मटेरियल साइंस के फंडे नहीं आएंगे तो मेटल फॉर्मिंग, वेल्डिंग ये कभी समझ ही नहीं सकते आप। मेटल फॉर्मिंग और वेल्डिंग तभी समझ सकते हैं जब आप ये जो मटेरियल साइंस के 4-5 लेक्चर हमने देखे, अगर वो समझे। आज आप समझ जाएंगे, आप आज का जो मेटल फॉर्मिंग का लेक्चर उसे समझ जाएंगे मैं क्या बात कह रहा हूँ। तो मटेरियल साइंस फाउंडेशन डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑफकोर्स गेट में 2 मार्क्स और कभी कभी 3 मार्क्स का आता है और कभी कभी 1 मार्क्स का आके रह जाता है, पर लास्ट अगर 2-3 साल का हिस्ट्री देखें तो 2 मार्क्स के राउंड आ रहा है, ठीक है ना। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मेरे पर्सनल उस पर आए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सर आप ये बोल रहे हैं कि जैसे मैंने को टेंसाइल लोड लगाया, हम थोड़ा रिकैप कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने टेंसाइल लोड लगाया तो आप कह रहे हैं डिस्लोकेशन बाहर निकल रही है, ग्रीन बाउंड्री पे आ गई। अगर मैंने सडनली कंप्रेसिव लोड लगा दिया तो क्या होगा मटेरियल पे? आपने टेंसाइल लोड लगाया, डिस्लोकेशन मूव करने लगी, अब इसका मतलब हम यील्ड पॉइंट से आगे हैं। सडनली आपने कंप्रेसिव लोड लगा दिया तो क्या होगा? तो देखो ये होगा, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो अगर टेंशन में देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो कुछ ऐसे आएगा, टेंशन में देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो देखो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो जब आपका, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, मटेरियल साइंस के साउंड फंडामेंटल्स होना बहुत जरूरी है। फॉर्मिंग, वेल्डिंग, इन चीजों को समझ। फॉर्मिंग बिना मटेरियल साइंस का नहीं हो सकती, आज आपको रियलाइज हो जाएगा। और मेटल फॉर्मिंग में कोई भी सेट ले लो, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज बहुत केयरफुल रहना है आपको, जो आज पढ़ाऊं मैं सब कुछ अटेंटिव रह के आपको दिमाग में उतार लेना है। तो देखो आपने टेंशन में इतनी स्ट्रेस लगा दी दैट यू आर बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट, लेट अस से यहां तक आप वर्क हार्डनिंग रीजन में यहां तक पहुंच गए। तो इतनी बैक स्ट्रेसेस डेवलप हो गई ना मटेरियल में, इतनी बैक स्ट्रेस डेवलप हो गई। ये बैक स्ट्रेस किसकी वजह से आ रहा है? ये बैक स्ट्रेस किसकी वजह से आ रहा है? डिसलोकेशन पाइल अप एट द ग्रेन बाउंड्री, उसकी वजह से बैक स्ट्रेस आ रहा है। तो आपने अब क्या किया, आपने अब क्या किया, टेंशन से सडनली कंप्रेशन लगा दिया लोड को। पहले टेंशन में था, सडनली देयर इज अ स्ट्रेस रिवर्सल और आपने कंप्रेशन लगाना शुरू कर दिया। तो पता है क्या होगा, डिसलोकेशन suddenly start moving in the opposite direction. Dislocation जियोटेक के क्लास के जगह आपका ही लेक्चर आ रहा है, पता ही हम क्या, पता नहीं मेरे को, ये भाई मेरे को पता नहीं है क्या है। चलिए ये ना दिस जियोटेक का मेरा ही लेक्चर आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। अरे ऑल ऑफ यू आर बेसिकली मैकेनिकल ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिंक का इशू आ रहा लग रहा है। प्लीज सी ओके ना, बैक एंड पीपल कैन यू रेस्पॉन्ड टू द चैट, क्योंकि जियो टेक्निकल में भी ये ला रहा है। प्लीज प्लीज सी दैट। तो देखो आपने सडनली कंप्रेशन डाल दिया, सो द डिसलोकेशन स्टार्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, डिसलोकेशन स्टार्टेड मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो बैक स्ट्रेस थी, बैक स्ट्रेस now start supporting the movement of dislocation. Back stress start suddenly moving in the opposite direction. तो उसका yield point जो है ना, yield point in compression will appear prematurely. Let us, इसका मतलब क्या है, let us say yield strength in compression में थी 600 MPa और जो आपकी back stress develop हुई, वो ही 200 MPa की। तो आपका जो ये यील्ड पॉइंट है वो 400 पे आ जाएगा, वो 400 पे आ जाएगा, 400 पे आ जाएगा। इस सारे फिनोमेना को बोलते हैं हम बॉशिंगर इफेक्ट, इस सारे फिनोमेना को बोलते हैं हम बॉशिंगर इफेक्ट। ये आपका दूसरा डॉट था, ठीक है ना, इसका आपका दूसरा डॉट था, ठीक है ना, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स ने पूछा मेरे से, ये तीसरा जो है क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट्स ने पूछा मेरे से। टेंशन में हमने यील्ड पॉइंट फिनोमेना देखा, टेंशन में हमने जस्ट आई विल पॉज इट फॉर 1 मिनट। You have to see because I am trying to call my backend person. His phone is engaged, so I think they will correct it. Okay, na? Just wait for 2 minutes. Okay, na? क्योंकि आप सबका, आप भी तो हमारे स्टूडेंट ही हैं सिविल वाले, you are also our children. Okay. Now ये क्वेश्चन मेरे काफी स्टूडेंट्स ने पूछा कि yield point phenomena टेंशन में हमने देखा, कंप्रेशन में आएगा क्या। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट से बता रहे थे कि सर हमारे टीचर ने पढ़ाया कि यील्ड कंप्रेशन में भी यील्ड पॉइंट फिनोमेना होगा। मैंने कहा उनसे पूछो किस बुक में लिखा हुआ है। यील्ड पॉइंट फिनोमेना कंप्रेशन में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट होती है। द वे ये आपका यील्ड पॉइंट फिनोमेना आ गया, लेट अस से टेंशन में, जो हमारा कंप्रेशन में जो कर्व होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कुछ ऐसे कंप्रेशन में, बिकॉज जो कंप्रेशन में जो फेलियर होता है वो बकलिंग से होता है, हाफ प्लेन्स आर कमिंग आउट। तो आप ये ध्यान रखिए, जो यील्ड पॉइंट फिनोमेना है वो कभी कंप्रेशन में नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, ऑलराइट, दैट वाज द डिस्कशन, सम क्वेश्चंस। नाउ फॉर्मिंग, ठीक है ना। वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से, आप आज थोड़ा अटेंटिव रहिए, आप थोड़ा आज अटेंटिव रहिए। ये आरके इंजीनियर्स में थोड़ा सा इसलिए आप चैट बॉक्स इसलिए पढ़ रहा हूं, देखो पीवाईक्यू ना, देखो एक बात बताऊं आपको, पीवाईक्यू विनोद जी कुछ इशू आ रहा है इसमें, सिविल वाले भी यहाँ पे कुछ लॉग इन हो गए क्या है? हाँ हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्योंकि इसमें ओके ऑलराइट ओके। हाँ, तो देखो ये आज मेटल फॉर्मिंग का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मेटल फॉर्मिंग दो तरह की होती है। मेटल फॉर्मिंग अगर इसे ब्रॉडली डिफाइन करें, मेटल फॉर्मिंग दो तरह की होती है। एक होता है बल्क फॉर्मिंग, बल्क फॉर्मिंग, और एक होता है शीट फॉर्मिंग, एक होता है शीट फॉर्मिंग। ये बल्क फॉर्मिंग में क्या होता है, जब आप लोड लगाएंगे, सो देयर इज अ एक्सटेंसिव डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल बल्क में डिफॉर्म होता है, जैसे वायर ड्रॉइंग हो गई, एक्सट्रूजन हो गया, रोलिंग हो गई, फोर्जिंग हो गई, और फॉर दैट मैटर हाई एनर्जी रेट ऑफ फॉर्मिंग हो गई। तो ये ना मेटल हमारा बल्क में फॉर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं बल्क मेटल डिफॉर्मेशन। पर अगर देखो फॉर्मिंग में लोड लगाते वक्त हमारा जो मेटल डिफॉर्म हो रहा है ना, उसमें सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, उसको बोलते हैं शीट मेटल फॉर्मिंग। मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सिग्निफिकेंटली नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं शीट मेटल फॉर्मिंग। तो शीट मेटल फॉर्मिंग हम क्या प्रोसेस होती है, डीप ड्राइंग, स्ट्रेचिंग, पंचिंग, ब्लैंकिंग, बेंडिंग, ये होती है शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन, ठीक है ना। एक बच्चा बोल रहा था हमारा कि आप PYQ कराओ ठीक ठाक से, एक सेशन ले लो। देखो मैं सेशन लेने वाला हूँ 25 to 2 नवंबर। आपसे क्वेश्चन ही करूँगा, उसमें PYQ के अलावा बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं आपसे हम, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, हमारे PW पे फेथ रखो, ठीक है ना। नाउ पहला क्लासिफिकेशन था फॉर्मिंग का, बल्क फॉर्मिंग एंड द शीट फॉर्मिंग। दूसरा क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मिंग इज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। फर्स्ट इज द कोल्ड फॉर्मिंग। कोल्ड फॉर्मिंग, कोल्ड फॉर्मिंग क्या होता है, लेट अस से फोर्जिंग है, वायर ड्रॉइंग है। आप ये अगर कर रहे हो, आपके वर्कपीस का टेम्परेचर है, इट शुड बी लेस देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। जिस टाइम आपका वर्कपीस मटेरियल फॉर्म हो रहा है, उस टाइम अगर वर्कपीस का जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन से कम होता है, उसको बोलते हैं कोल्ड फॉर्मिंग। आई मीन लेस देन 0.4 TM। देखो फॉर्मिंग और मटेरियल साइंस में जो भी था ना, ये TM हमेशा, TM इज द मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन। हमने वहां भी देखा था, देखो मटेरियल साइंस में TM इज द मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन। अगर हमारे वर्कपीस का टेम्परेचर लेस देन 0.4 TM है, इट मीन्स इट्स अ कोल्ड वर्किंग। अगर हॉट वर्किंग मीन्स इट इज मोर देन 0.6 TM। देखो डिफरेंट बुक्स डिफरेंट चीजें बताती हैं, इसलिए मैं अपने बच्चों को बोलता हूं आप सब बच्ची तो मेरे इसलिए बच्चा बोलता हूँ आपसे क्योंकि यू आर लाइक माई चिल्ड्रन। फॉर्मिंग में प्लीज डू नॉट फॉलो एनी इंडियन ऑथर बुक, उसमें देर आर हंड्रेड्स ऑफ मिस्टेक्स। सो अगर बुक्स पढ़नी है मेरे को पता, मैं बताऊंगा कौन सी बुक्स फॉलो करेंगे। तो किसी किसी बुक में पता है क्या है, ये 0.3 और 0.5 होता है। जनरली अगर आप कहेंगे किसी मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है, वी कॉल इट 0.5 TM, वी कॉल इट 0.5 TM। तो इसे बीच में ले लेते हैं हम। 0.4 टू 0.6 TM में अगर हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर उस वर्कपीस का, उसके बोलते हैं हम वार्म फॉर्मिंग। लेस देन 0.4 TM कोल्ड वर्किंग, वर्किंग और फॉर्मिंग। 0.4 टू 0.6 TM इज अ वार्म वर्किंग एंड मोर देन 0.6 TM इज अ हॉट वर्किंग। ठीक है ना, जो हमारा वार्म वर्किंग है उसकी जो भी प्रॉपर्टी होंगी इट विल बी इन बिटवीन, यानी इन दोनों के बीच में होंगी। कुछ फैक्टर्स के हिसाब से कोल्ड फॉर्मिंग अच्छी होती है और कुछ फैक्टर्स के हिसाब से हॉट फॉर्मिंग अच्छी होती है। वार्म फॉर्मिंग उन दोनों के बीच में आती है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं उसे देख डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स क्या क्या हैं देखो, अब फैक्टर्स क्या क्या हैं। आपको एक्यूरेसी कहां ज्यादा मिलेगी, आपको एक्यूरेसी कहां ज्यादा मिलेगी, आपको एक्यूरेसी कोल्ड फॉर्मिंग में ज्यादा मिलेगी। पता क्यों? हॉट फॉर्मिंग में क्या होगा, हॉट फॉर्मिंग में क्या होगा, जैसे ना किसी बंदर को पेड़ पे चढ़ा दिया, रोटी खाने तो नीचे ही आएगा। नॉर्थ इंडिया में एक जगह है वृंदावन, वहां पे छीन के भागते हैं बंदर, रोटियां वगैरह जो भी है। तो पेड़ पर तो चढ़ा दिया, आएगा तो नीचे ही ना। तो सिमिलरली आपने टेम्परेचर को तो ऊपर कर दिया, अरे भैया फॉर्मिंग के बाद टेम्परेचर तो नीचे ही आएगा ना। और जब इसका टेम्परेचर नीचे आएगा सो मटेरियल विल श्रिंक, मटेरियल विल श्रिंक। तो इसमें एक्यूरेसी बेटर नहीं रहेगी। ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, ऑल ऑफ यूर आंसर्स आर करेक्ट फ्रॉम अशोक, अभिषेक, विशाल, निदा, वेरी वेरी गुड। एक्यूरेसी हमारी कोल्ड वर्किंग में बेटर होगी क्योंकि श्रिंकेज होगी नहीं, श्रिंकेज होगी नहीं उसमें। वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं सरफेस फिनिश पे, अब आते हैं सरफेस फिनिश पे। इसमें एक्यूरेसी कम होगी, इसमें ज्यादा होगी, वार्म फॉर्मिंग में बीच में रहेगी। ऑलवेज वार्म फॉर्मिंग विल बी इन द मिडल, ऑलवेज वार्म फॉर्मिंग विल बी इन द मिडल। या ऑलरेडी आंसर सर कमी आगे झमाझम आंसर सर स्टार्टेड कमिंग आउट, वेरी गुड। अब देखो सरफेस फिनिश ज्यादा किसमें होगी, सरफेस फिनिश जो मैं लिख रहा हूं ना, आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं क्योंकि मैं देख रहा हूं सम ऑफ यू आर रियली ब्रिलियंट। या अशोक जो सरफेस फिनिश है हॉट वर्किंग में खराब होगी, सरफेस फिनिश हॉट वर्किंग में खराब होगी। पता है क्यों? हाई टेम्परेचर पे जो हमारा वर्कपीस का सरफेस था जो हॉट वर्किंग में, जो वर्कपीस का सरफेस था वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्साइड फॉर्म्स ओवर द सरफेस ऑफ द वर्क। तो ऑक्साइड तो फॉरेन एलिमेंट है, ऑक्साइड फॉरेन एलिमेंट है। तो जब हमारा वर्कपीस रूम टेम्परेचर पर आया तो वर्कपीस के आसपास जो ऑक्साइड था वो उड़ जाएगा, इट विल बी रिमूव्ड ऑटोमेटिकली बिकॉज इट्स अ डिफरेंट मटेरियल। और जब ऑक्साइड जाएगा तो बाहर का सरफेस रफ हो जाएगा, बाहर का सरफेस रफ हो जाएगा। तो हमारा सरफेस फिनिश भी किस में बेटर होती है, कोल्ड वर्किंग में है कि नहीं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किस वर्किंग में प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ बेटर होगी। किसमें? प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ बेटर होगी, स्ट्रेंथ बेटर होगी। वेरी गुड। In cold working, there will be dislocation pile up। आप अंग्रेजी में यह भी बोल सकते हैं there will be work hardening, there will be work hardening, excessive work hardening, there will be excessive work hardening in the cold working। एक्सेसिव वर्क हार्डनिंग की वजह से क्या होता है? द प्रोडक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर। ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, वेरी गुड। अंशु, जयेश, आदित्य, हर्ष, एवरीबडी इज करेक्ट इन दैट। हॉट वर्किंग में क्या होता है? ये मटेरियल साइंस में भी डिस्कशन आया था। जैसे आप फॉर्म कर रहे हैं, बाय द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देयर विल बी डिसलोकेशन पाइल अप। पर क्योंकि टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर हॉट वर्किंग में रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर है, सो ड्यू टू रिक्रिस्टलाइजेशन नए क्रिस्टल बनेंगे और जो डिसलोकेशन थी ग्रेन बाउंड्री पे दे विल डाई आउट, दे विल डाई आउट। सो स्ट्रेंथ होगी वो भी कोल्ड वर्किंग में। तो जो भी ऑप्शन आपने देखा भी सब कोल्ड वर्किंग, सब कुछ कोल्ड वर्किंग। तो हमने हॉट वर्किंग क्यों यूज कर रहे हैं? कोल्ड वर्किंग ही यूज कर रहे हैं ना। हाँ, हम हॉट वर्किंग क्यों यूज करते हैं? हॉट वर्किंग एक जगह एडवांटेजियस है। ड्राइंग फोर्स will be minimum in hot working, drawing force will be minimum in hot working। पता क्यों? there is something called mean flow stress, there is something called mean flow stress sigma fm। by increasing the temperature mean flow stress decreases। जैसे हमने last और last to last lecture में पढ़ा था ना stress strain diagram at different temperatures। तो हमने पढ़ा था वहां पे, अगर सपोज क्रोमियम नहीं है, अगर क्रोमियम नहीं है तो हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो नीचे आता जाएगा। मतलब यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों कम हो गई, और दोनों कम हो गई तो एवरेज फ्लो स्ट्रेस डिक्रीज हो गई, और उसकी वजह से ड्राइंग फोर्स विल बी लेस, ड्राइंग फोर्स विल बी लेस। new grain formation will takes place in the ये एक्चुअली ना कौन, शिवम, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। देखो ऐसा होता है अगर कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं आप, क्योंकि देखिए मटेरियल साइंस में हमने क्रैश कोर्स कराया आपको, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने समझा के इस गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी टच नहीं किया। अगर आप एक्सेसिव कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं तो जहाँ पर आप ज्यादा डिसलोकेशन एक्यूमुलेट हो गई, समटाइम इट विल बी ट्रीटेड एज ए डिफरेंट ग्रेन। पर आप ग्रेन ग्रोथ की बात करेंगे वो हॉट फार्मिंग में होगा। कोल्ड वर्किंग में वेरेवर देयर इज एक्सेसिव डिसलोकेशन पाइल अप दैट विल बी ट्रीटेड एज ए डिफरेंट ग्रेन। आपका आंसर ये था। ओके, सो कोल्ड वर्किंग, वार्म फार्मिंग एंड हॉट वर्किंग। नो लूसीफर डेथ, अगर हमारा मटेरियल ब्रिटल है उसके लिए थोड़ा स्पेशल चीज करते हैं, वो 1 घंटे बाद बताऊंगा आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी देखो कोल्ड वर्किंग क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या हैं। हॉट वर्किंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इसका मीन फ्लो स्ट्रेस कम हो जाता है, और मीन फ्लो स्ट्रेस कम होने से आपको जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। ठीक है ना। एनीवे सारी स्लाइड आपको अभी दे ही दूंगा बाद में ना, मैं अपलोड कर रहा हूं अपने ऐप पे, ठीक है ना। तो चलो पहले शुरू करते हैं, थोड़ा थ्योरी में घुसते हैं, ठीक है ना। आप देखो हमने पेन पेपर लेके तो बैठे होंगे, जो इच्छा लगे आप लिख लो। ये शीट तो हमें पीडीएफ अपलोड हो ही जाती है पीडब्ल्यू ऐप पे। चलो थोड़ा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। वायर ड्रॉइंग, थोड़ा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। वायर ड्राइंग और एक्सट्रूजन एज फार एज प्रिंसिपल इज कंसर्न, वायर ड्राइंग एंड एक्सट्रूजन आर एग्जैक्टली सेम। मैं मैथमेटिकल प्रिंसिपल, जो आप मेटल फॉर्मिंग के पीछे जो का प्रिंसिपल है उसकी बात करूं मैं, तो वायर ड्राइंग एंड एक्सट्रूजन आर सेम। एक बात बताएं आपको, हम आप थोड़ा चैट बॉक्स और 10 मिनट के लिए बंद कर लो अपना, आप मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स धड़ धड़ चैट बॉक्स, एक्चुअली जब मैं बताता हूँ भैया फ्री हैं आप चैट बॉक्स में लिखने के लिए तब लिखो आप, ठीक है ना, मैं आंसर भी करूँगा आपके चैट बॉक्स में, पर अभी 10 मिनट के लिए थोड़ा रुक जाओ और थोड़ा पानी पी लो। एज फार एज प्रिंसिपल इज कंसर्न, वायर ड्रॉइंग एंड एक्सट्रूजन आर एग्जैक्टली सेम। वायर ड्रॉइंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द इनकमिंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। लेट अस से AI तो है इनकमिंग एरिया ऑफ वायर, जो रेड कलर का है, जो वायर है डाई के अंदर घुस रहा है, और AF इज आउटगोइंग एरिया ऑफ वायर, तो जनरली हम वायर ड्राइंग करने से पहले जो हमारा रॉ मटेरियल था किसी और कंपनी ने भेजा, जनरली द रॉ मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन ओपन, और हफ्तों तक ऐसे ही पड़ा रहता है मटेरियल। वो कहीं से आया, हम वायर ड्राइंग करेंगे तो 1 महीने बाद अराउंड होता है, वो सब ऐसे ही पड़ा रहता है जनरली ओपन में। तो नेचुरली उस पर ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन होगा। कोई अभी देखो प्लीज, अभी आधा घंटे के लिए आई वांट योर एब्सोल्यूट अटेंशन। अगर आप समझ गए तो फॉर्मिंग आपको बहुत हल्का लगेगा। ये 4 लेक्चर हैं फॉर्मिंग के, बहुत सीरियसली लीजिए आप, ठीक है ना। ये क्रैश कोर्स है, मैं समझता हूँ कि गेट 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अभी आधा घंटे के लिए बहुत एकाग्रचित से देखो आप। तो आपका जो मटेरियल जो स्टोर हुआ उस पर ऑक्साइड होगा। तो ड्राइंग करने से पहले उसकी सरफेस से ऑक्साइड रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपने बिना ऑक्साइड रिमूव किए अगर उसको ड्रॉ करना शुरू कर दिया, तो पता क्या होगा, ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन जो वायर की सरफेस पर ऑक्साइड था, इट विल परकोलेट डाउन एंड एक्यूमुलेट एट द सेंटर। मतलब डिफॉर्मेशन जो आउटगोइंग है ना, ये आउटगोइंग वायर है, तो जब डिफॉर्मेशन होगा डाई में तो ऑक्साइड तो डिफरेंट मटेरियल है ना, तो वायर के सेंटर की तरफ जाएगा वो, क्योंकि डिफॉर्मेशन तो डाई कर रही है वायर पर ऑक्साइड तो मेटल नहीं है ना, तो इम्प्योरिटी है, तो कन्वर्ज होकर सेंटर पे आ जाएगी। और पता देखो इस फॉर्म में आती है, इस फॉर्म में लाइक दिस, सेंटर लाइन पे थोड़ा क्रैक्स आने लगते हैं, ये सेंटर लाइन पे क्रैक्स क्यों आए? क्योंकि आपने ड्राइंग और एक्सट्रूजन करने से पहले ऑक्साइड रिमूव नहीं किया, और इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? फिश टेल। क्या कुछ लोग मछली खाते होंगे, मैं तो नहीं खाता, तो मछली की पूंछ जैसा लग रहा है ना, तो फिश टेलिंग, सेंटर लाइन क्रैकिंग, एक्सेट्रा। तो ये ऑक्साइड रिमूव करना बहुत जरूरी है भाई। तो ऑक्साइड में कैसे रिमूव करता हूं? वायर ड्रॉइंग, एक्सट्रूजन में भी सेम चीज करता हूं मैं। अगर एक्सट्रूजन में बड़ा बेलेट है उसको टर्निंग कर दूंगा मैं, अगर छोटा वायर है तो ऑक्साइड कैसे रिमूव करूंगा? उसको मैं वायर को थोड़ा ट्विस्ट दूंगा, या बेंड दूंगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारा वायर के ऊपर जो ऑक्साइड है इट विल बी रिमूव्ड, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं पिकलिंग प्रोसेस, पिकलिंग। और उसके बाद जो इनकमिंग वायर है उसको मैं एक लुब्रिकेंट में डुबोऊंगा। जो हमारा इनकमिंग वायर है उसको एक लुब्रिकेंट में डुबो दूंगा मैं। सो लुब्रिकेंट को मैं डुबोने का पर्पस क्या है कि जो हमारा इनकमिंग वायर है, देयर विल बी ए थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट ओवर इट। जो हमारा इनकमिंग वायर है देयर विल बी ए थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट ओवर इट। पिकलिंग मतलब आपने पहले तो ट्विस्ट किया या बेंड किया जिससे कि आपका ऑक्साइड निकल जाए, उसके बाद लुब्रिकेंट में डुबो दिया आपने। दो तरह के लुब्रिकेंट होते हैं, एक तो लिक्विड लुब्रिकेंट होते हैं लाइक ऑयल हैं बहुत सारे, वेजिटेबल ऑयल्स, मिनरल ऑयल्स, बहुत सारे होते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट, क्या होते हैं? एल्युमिनियम पाउडर, ग्रेफाइट पाउडर, है ना, सोप पाउडर। तो जब हमारा लार्ज रिडक्शन देना होता है हम सॉलिड लुब्रिकेंट यूज करते हैं, जब हमारा लार्ज रिडक्शन देना है तो सॉलिड लुब्रिकेंट यूज करेंगे, अगर कम रिडक्शन देना है तो मैं लिक्विड लुब्रिकेंट यूज करूंगा मैं। हमने लुब्रिकेंट यूज क्यों किया? देखो जो इंटरनल क्रैकिंग हुई लाइक फिश टेलिंग और क्रैकिंग, इंटरनल क्रैकिंग टेल पाइप, फिश और टेल पाइप सब सेम ही चीज होती है, सेंट्रल लाइन क्रैकिंग। ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू रिमूव ऑक्साइड एंड दैट परकोलेट्स डाउन एंड एक्यूमुलेट्स एट द सेंटर, इंटरनल क्रैक। बट सपोज लुब्रिकेंट इज नॉट प्रॉपर during the deformation, lubrication is not proper, then you know what will happen? There will be cracks in the drawn material, like उस पर सरफेस पर क्रैक आने लगेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रिक्शन हो गया कि हमारा सरफेस का मटेरियल टूटने लगा, सरफेस पर क्रैक आने लगेंगे। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड बैम्बू डिफेक्ट, सरफेस क्रैक। surface crack, improper lubrication. Center line crack because of improper cleaning of the incoming material. Improper cleaning of oxide leads to center line crack. Improper lubrication leads to surface crack, that is called bamboo. Tambu mein bamboo hota na, bamboo, bamboo se bolte hain अंग्रेजी में ऐसे करके, ठीक है ना? हो गए। तो आपने लुब्रिकेंट में डुबो दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इनकमिंग मटेरियल विल हैव ए थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट ओवर इट। ओके, नाउ जो हमारा जो इनकमिंग मटेरियल है ये वाला, इट इज अप्रोचिंग द डाई विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब, अब मेरे को ये बताओ इस ट्यूब का पर्पस क्या है? नाउ चैट बॉक्स कैन बी एक्टिव, नो गौरव महाराणा, यू आर रॉन्ग, दैट इज नॉट द वे। वायर ड्राइंग आल्सो कैन बी हॉट वर्किंग, एक्सट्रूजन कैन आल्सो बी कोल्ड वर्किंग, एक्सट्रूजन कैन बी कोल्ड एक्सट्रूजन, वार्म एक्सट्रूजन, हॉट एक्सट्रूजन। वायर ड्राइंग कैन बी कोल्ड वायर ड्राइंग, वार्म वायर ड्राइंग एंड ओके ना, तंबू में बम्बू, करेक्ट। अरे इसको बताओ यार, ठीक है, अंडरस्टैंड महाराणा। अब मेरे को बताओ इस ट्यूब का पर्पस क्या है? एनीबडी, एनी चैंपियन इन द ग्रुप, सपोर्ट मोहम्मद नवेद, आई थिंक यू आर फ्रॉम कश्मीर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देयर आर 5 कश्मीर स्टूडेंट्स, कश्मीर चिल्ड्रन फ्रॉम हियर, गाइड द मटेरियल, नवेद आल्सो टेन सपोर्ट टू फीड प्रॉपरली, guiding the wire, support Ravi, Abhishek, Ankit, Pavan, everybody is getting the same answer, but I will tell you your answers are wrong. None of the answer is correct. All the answers are wrong. All the, even the Fahed, Harsh, everybody is wrong here. Huh? Everybody is wrong. No, Neeraj Singh, that is also wrong answer. Animesh Nanda, wrong. I think nobody will be able to get it. Yeah, Kashmir, I remember, Naved from Kashmir, because you have written to me also. Ha! किसी का आंसर सही नहीं है इसमें। चलो अब मेरी बात सुन लो जरा, ठीक है? आपका हो गया ना, आपका हो गया, अब हमारी बात सुनो, ठीक है ना? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं वाई द ट्यूब इज प्रोवाइडेड टू कीप द वायर स्ट्रेट। वायर क्या हम पहले बेंड कर रहे हैं ना, वायर को स्ट्रेट रखने के लिए। Now Lucifer, that you are also wrong here. वायर को स्ट्रेट रखने के लिए वी प्रोवाइड ए बैक पुल सिग्मा बी। मतलब हम क्या करते हैं, इनकमिंग मटेरियल को थोड़ा पीछे खींचेंगे। वी पुल द मटेरियल बैक, इनकमिंग मटेरियल बैक टू कीप इट स्ट्रेट। या यू आर करेक्ट Saurabh Yadav and engineering Pushpendra. Now you are, now the correct answers are coming. I think you are teachers. कुछ लोगों ने मेरे को बताया सर हम टीचर हैं, मैंने कहा ठीक है, मौके में वो खुश हुआ, टीचर की बात सुन गए, एक टीचर के बारे, ठीक है आपका आंसर सही आ रहा है। टू कीप द वायर स्ट्रेट वी अप्लाई द बैक पुल। अब ये ट्यूब का पर्पस क्या है? Of course by providing the back pull, the drawing stresses will increase. मतलब हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको ड्रॉ करने के लिए, पर फिर भी हम बैक पुल लगाएंगे जिससे कि हमारा इनकमिंग मटेरियल स्ट्रेट रहे। अदरवाइज पता है क्या होगा, इट विल डैमेज द बेल सेक्शन ऑफ द डाई। जो हमारा डाई का जो इनिशियल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं बेल सेक्शन, वो टूट जाएगा ना। सवाल ये उठता है इस ट्यूब का पर्पस क्या है? ट्यूब का पर्पस है प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन। ट्यूब का पर्पस है प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन। कैसे? देखो आप बहुत लोग गांव के होंगे ना, क्योंकि हारे का सहारा यही तो होता है ना, पीडब्ल्यू सब कुछ चीप ही होता है हम लोगों का। एक्चुअली क्या नाम है, फीस वगैरह बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर पाते फीस, तो आप सब लोग गांव के होंगे, ठीक है ना? आपने गांव में एक चीज़ देखी होगी, जो जानवरों को हम बांधते हैं ना, जूट की रस्सी होती है, वो जूट की रस्सी होती है और बारिश में भीग जाती है वो। तो देखो रस्सी को ऐसे पकड़ो और ऐसे खींचो तो यहाँ से वो पानी निकलेगा। आपने देखा होगा फिनोमेना, जो लोग विलेजेस से हैं अक्सर का, आजकल यूपी में बहुत बारिश हो रही है, हर जगह फ्लड, अलीगढ़ में फ्लड आई हुई है, जैसे नावों से बहुत लोग कर रहे हैं। तो ये फिनोमेना देखा होगा, गाँव में जूट की रस्सी होती है, भीग गई, यहाँ से वाटर निकलेगा। सेम चीज़ यहाँ पर होगी। अगर ये ट्यूब नहीं होगी, सब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सब लोग, अगर ये ट्यूब नहीं होगी तो जब हम वायर को आगे खींच रहे हैं तो जो लुब्रिकेंट है वो स्प्लैश हो जाएगा। अगर आपने ट्यूब प्रोवाइड कर दी, अगर आपने ट्यूब प्रोवाइड कर दी, तब देखो क्या होगा, तब देखो क्या होगा, ये वायर मूव कर रहा है, लेट अस से वेलोसिटी v1, वायर इनकमिंग मटेरियल इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, तो जो हमारा लुब्रिकेंट है दैट आल्सो मूव्स विद द वेलोसिटी v1, लुब्रिकेंट इज आल्सो मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ वायर। तो द लुब्रिकेंट जो बेल सेक्शन को हिट करेगा, व्हेन द लुब्रिकेंट हिट्स द बेल सेक्शन ऑफ द डाई, लुब्रिकेंट जा ही नहीं सकता क्योंकि ट्यूब है ना, जो लुब्रिकेंट स्प्लैश नहीं होगा, जैसे खींचा स्प्लैश हो गया, स्प्लैश नहीं होगा क्योंकि वहाँ ट्यूब है। तो अब देखो, मैं एक सेंटेंस देखो मैं क्या कहने वाला हूँ, लुब्रिकेंट कहीं नहीं जा सकता, सो द मोमेंटम of lubricant will be lost. Momentum of lubricant will be lost. Momentum of lubricant will be lost, and this will convert into pressure. This will convert into pressure, and this pressure enables the lubricant to enter into the deformation zone. Loss of momentum will convert into pressure, and this pressure enables the lubricant to enter into the deformation zone. तो ट्यूब का पर्पस क्या है? प्रेशराइज लुब्रिकेशन. ट्यूब का पर्पस क्या है? प्रेशराइज लुब्रिकेशन. अरे बात सही चल रही है, नहीं चल रही? हाँ? अरे भैया मटेरियल साइंस रिफॉर्मिंग चल रहा है यार, क्या है? वायर ड्राइंग है, मटेरियल साइंस पढ़ा रहे हैं, ये वायर ड्राइंग है. वायर ड्राइंग ये लिखा हुआ है हेडिंग, ये वायर ड्राइंग फॉर्मिंग में आता है यार, कमाल करते हो आप. अब देखो भाई, जो हमारा इनका ये क्वेश्चन काफी ऑब्जेक्टिव में काफी आता है, जो अभी बता रहा हूँ 2 मिनट में. गेट में तो नहीं आया इतना, पर एक्चुअली इतने सारे पीएससी जो होते हैं ना, ये बार बार टपक पड़ता है क्वेश्चन है. ईएस में 2 बार आ चुका है एक्चुअली. देखो सुनो, ये आपका इनकमिंग मटेरियल है, उसका एरिया एआई है. तो पहले आप ये डाई के अंदर घुसेगा कैसे? डाई के अंदर घुसेगा कैसे? उसको थोड़ा डायमीटर को छोटा बनाना पड़ेगा ना. और उसे कैसे बनाते हैं छोटा? हम स्विजिंग ऑपरेशन से. ये स्विजिंग एक फोर्जिंग ऑपरेशन है. तो ये इसको टिप को मैंने डाई पकड़ लिया, हैमर किया चारों तरफ से, तो टिप बन जाएगी. अब इस टिप को डाई से निकालो और आगे से खींच लो. तो ये ऐसे प्रिपरेशन होती है, ऐसे ड्राइंग शुरू होती है. ये जो क्वेश्चन पीएससी वगैरह में काफी आता है, ईएस में भी 2 बार आ चुका है. ठीक है, ठीक है, बी यू हैव टू बी केयरफुल नाउ. अब देखो, इसका अलग अलग रीजन्स का अलग अलग रीजन्स का हम एप्लीकेशन समझते हैं. ठीक है ना. ओके, दिमाग ठंडा है ना? बारिश भी, इंडिया में हर जगह बारिश हो रही है, तो दिमाग भी ठंडा होगा तुम्हारा. ठीक है ना. दिमाग ठंडा होना बहुत ज़रूरी है फार्मिंग पढ़ने के लिए और प्रोडक्शन पढ़ने के लिए. दिमाग ठंडा होना अति आवश्यक है. डाई में 4 सेक्शन हैं. डाई में 4 सेक्शन हैं. पहला सेक्शन है बेल सेक्शन ऑफ द डाई. ये जो ट्यूब है, जो बेल सेक्शन में फिट है, ट्यूब भी बेल सेक्शन में फिट है. बेल सेक्शन में कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता. प्लीज रिमेंबर, देयर इज नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन द बेल सेक्शन ऑफ द डाई. डिफॉर्मेशंस आर प्राइमरली इलास्टिक. इन द बेल सेक्शन देयर इज नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशंस आर प्राइमरली इलास्टिक. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखो, आप इधर उधर डोज मत कर देना, रात ऑलरेडी बहुत होगी, 10 बज रहा है. अटेंटिव रहना, ठीक है ना. बेल सेक्शन डिफॉर्मेशंस आर प्राइमरली इलास्टिक. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डजंट टेक प्लेस. जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, वो अप्रोच सेक्शन में होता है. इन द अप्रोच सेक्शन there will be plastic deformation. In the approach section there will be plastic deformation. और जो approach section का जो ये angle है ना alpha, इसको alpha को बोलते हैं semi die angle. semi die angle. क्या पूरा die angle क्या होगा? देखो ये होगा, ये 2 अल्फा होगा पूरा डाई का एंगल, और अल्फा होगा सेमी डाई एंगल. तो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है जो अप्रोच सेक्शन में हो रहा है. यहां पे देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनो सब लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 10 से 12 सालों में एक तरीके का क्वेश्चन 3 बार आ चुका है गेट में, एक तरीके का क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। और वो क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसे कभी कभी क्वेश्चन आता है, एवरीबॉडी इज हियरिंग ना, कभी कभी क्वेश्चन आता है भाई आप मेरे को मेल करा, चलिए यार नोट्स वगैरह, चलिए यार आई कैन सेंड इट थ्रू माई रेगुलर क्लास नोट्स, somebody can give email id, my email id, somebody can put email id in the chat box, my email id, okay। अब रोने जैसी सूरत कैसे हो गई, गेट एस्पिरेंट 2023 रोने जैसी हो रही है क्या है? ये एनिमेशन आई डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली, क्योंकि मैं ज़्यादा चैट बॉक्स इतना करता नहीं हूँ मैं। हाँ ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन आता है what are the type of stresses in drawing, extrusion, rolling, क्वेश्चन है what are the type of stresses, आंसर बहुत सिंपल है। वायर ड्राइंग में मैं सामने से खींच रहा हूं, वायर ड्राइंग में मैं मटेरियल को सामने से खींच रहा हूं, तो stresses are tensile in nature, stresses are tensile in nature, stresses are tensile in nature। एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन क्या कर रहा है आप वर्कपीस को पीछे से पुश कर रहे हैं, इसका मतलब इट इज, इसका मतलब इट इज कंप्रेसिव। दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, गेट में 3 बार आ चुका है। आप देख लो PYQ देख लो आप, और सब लोग गैस मारते रहते हैं। ये मेरे को गुस्सा आता है एक्चुअली, कुछ टीचर्स भी गैस मारते हैं, अरे गैस वैस नहीं है कुछ भी यार, इट्स अ ग्रेट साइंस। एक तरीके का क्वेश्चन आता है, द टाइप ऑफ स्ट्रेसेस इन वायर ड्राइंग, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस इन एक्सट्रूजन, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस इन रोलिंग। तो वायर ड्राइंग में तो मैं सामने से पुल कर रहा हूं उसे ना, तो टेंशन है, टेंसाइल स्ट्रेसेस। कंप्रेशन में मैं पीछे से प्रेस कर रहा हूं, कंप्रेसिव। रोलिंग में कंप्रेसिव, फोर्जिंग में कंप्रेसिव। तो आंसर क्या होगा, जिस टाइप की स्ट्रेस आप लगा रहे हैं डिफॉर्म करने के लिए, आंसर ठीक है ना। दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन आता है, एक दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन, आप पता है उसकी लैंग्वेज क्या होती है? आप लैंग्वेज ठीक से पढ़ोगे, गेट में लैंग्वेज क्या होती है इसकी, द टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, the type of stresses a material will experience in the deformation zone, the type of stresses a workpiece will experience in the deformation zone। मतलब अगर यहाँ पे आप एक कोई स्ट्रिप लेंगे, यहाँ पे आप अगर कोई स्ट्रिप लेंगे, ये डिफॉर्मेशन जोन है। सो द टाइप ऑफ स्ट्रेसेस एनी एलिमेंट इन द डिफॉर्मेशन जोन विल एक्सपीरियंस, आप इसमें शेयर ऐड कर दो, बिकॉज विदाउट शेयर डिफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। उसमें जो पहले पुरानी वाली स्ट्रेस थी ना, उसमें शेयर ऐड कर दो। तो आपको गेट में क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन है इन द वायर ड्राइंग इन द डिफॉर्मेशन जोन व्हाट आर द स्ट्रेसेस, टेंसाइल एंड शेयर। अगर हमारा क्वेश्चन बोलता है डिफॉर्मेशन जोन के ऊपर, उसमें आप शेयर ऐड कर दो, ठीक है ना, या करेक्ट, उसमें शेयर ऐड कर दो, बिल्कुल सही बोल रहे हर्षराज, ठीक है ना। आप क्वेश्चन पढ़ो, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोलिंग है, हम रोलिंग में क्या देंगे आपको आंसर, कंप्रेशन एंड शेयर। अगर क्वेश्चन, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, दोबारा से बोल रहा हूं, कोई लड़का मिस नहीं करेगा इसे, अगर क्वेश्चन में ये वर्ड दे रखा है इन द डिफॉर्मेशन जोन, उसमें शेयर जरूर ऐड करो, उसमें शेयर जरूर ऐड करो, क्योंकि देखो इसमें स्लैब एनालिसिस का डिटेल प्रूफ नहीं कराने वाला क्रैश कोर्स में। मैं स्लैब एनालिसिस का डिटेल प्रूफ नहीं कराऊंगा। अगर प्रूफ कराता हूं मैं तो सब कुछ ओबीएस होता है कि भाई बिना शेयर के कुछ डिफॉर्मेशन होता नहीं है। मैं दोबारा से बोलूंगा, अगर क्वेश्चन में डिफॉर्मेशन जोन दे रखा है आपको शेयर ऐड करना है, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। तो हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है अप्रोच सेक्शन में। नाउ डाइलैंड का पर्पस क्या है? शेयर या फ्रिक्शन की वजह से ही होगा, उसमें फ्रिक्शन जो है शेयर की वजह से होगा, और बिना शेयर के डिफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, विदाउट शेयर डिफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। डाइलैंड जो है, जो डाइलैंड है इस डाइलैंड का पर्पस क्या है? डाइलैंड का पर्पस क्या है? अगर आप एक ग्राफ देखेंगे बिटवीन द ड्राइंग फोर्स वर्सेस द सेमी डाई एंगल, ड्राइंग फोर्स एंड द सेमी डाई एंगल, graph goes like this, there will be an optimum semi die angle at which the drawing force is minimum, there will be an optimum die angle for which the shear force for which the drawing force is minimum. इसके दो रीजन होते हैं, आप थोड़ा ब्रीफली टच करूंगा, आई विल नॉट गो इन टू गेट इन टू द डिटेल। जो हमारा टोटल ड्राइंग फोर्स होता है, फोर्स डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी रिक्वायर्ड इन ड्राइंग प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन, प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। तो अगर हम सेमी डाई एंगल इंक्रीज करते हैं तो फ्रिक्शन कंपोनेंट डिक्रीज होता है, और ऑप्टिमम से आगे गए हम, ऑप्टिमम से आगे गए, सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ डेट मेटल जोन, उसकी वजह से फोर्स इंक्रीज होता है। मैं एक्चुअली इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्यों, मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखो बेल सेक्शन में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, अप्रोच सेक्शन में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। अब ये डाइलैंड हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? अब हम ये डाइलैंड क्यों प्रोवाइड करते हैं? डाइलैंड जो है इसका रीजन ये है, अगर आपने डाई का सडनली इंक्रीज एरिया कर दिया तो ये टूट जाएगा, तो ये टूट जाएगा। तो इसलिए हम कुछ लैंड देते हैं जिससे कि डाई स्टेबल रहे, डाई जल्दी टूटे नहीं। बट ऑफ कोर्स बाय प्रोवाइडिंग द डाई लैंड, बाय प्रोवाइडिंग द डाई लैंड मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मेशन, बाय प्रोवाइडिंग द डाई लैंड मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मेशन। और ये होता रिलीफ होता है। रिलीफ क्या होता है? जब आप मटेरियल से लोड हटाएंगे, जब आप मटेरियल से लोड हटाएंगे सो इलास्टिक स्ट्रेंस विल रिकवर। जैसे आप फोर्जिंग कर रहे हैं, आपने फोर्जिंग किया, जब आपने लोड हटाया साइज थोड़ा बढ़ेगा। वायर ड्राइंग कर रहे हैं आप, तो वायर ड्राइंग में लेंथ बढ़ रही है, डायमीटर कम हो रहा है ना। वायर ड्राइंग में लेंथ बढ़ रही है, डायमीटर कम हो रहा है। जब लोड हटाएंगे लेंथ कम होगी, डायमीटर बढ़ेगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलास्टिक रिकवरी, इलास्टिक रिकवरी और स्प्रिंग बैक। तो इस इलास्टिक रिकवरी और स्प्रिंग बैक को एकोमोडेट करने के लिए हम रिलीफ प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा ये कि जो हमारा आउटगोइंग एरिया है ना, देखो इस एरिया से थोड़ा बड़ा है, मैंने जो ड्रॉ किया है, जो एएफ जो है जो डाई के एरिया से थोड़ा बड़ा है। बड़ा क्यों है? स्प्रिंग बैक। सो टू अकोमोडेट स्प्रिंग बैक वी प्रोवाइड रिलीफ, टू अकोमोडेट स्प्रिंग बैक वी प्रोवाइड रिलीफ। तो ये हमारी डाई का मैंने फंक्शन आपको बताया। आप देखें चैट बॉक्स में क्या चल रहा है। सेप्लान थ्योरी क्या होती है बताया नहीं मैंने आपको, इसमें बताऊंगा भी नहीं एक्चुअली इसमें ठीक है ना। वेरी गुड। एक्चुअली लॉट ऑफ पॉजिटिव डिस्कशंस आर हैपनिंग इन द चैट बॉक्स। मैं एक्चुअली इसमें ना मैं डिस्कशन क्रैश कोर्स में लिमिटेड ही करूँगा, ठीक है, जिससे आपको क्रैक कर सकें 80% प्रॉब्लम्स इन गेट 2023। ठीक है ना, हम यहाँ तक सही चल रहा है। तो अभी तक के डिस्कशन में मैंने क्या बताया आपको, डाई में 4 सेक्शन होते हैं और चारों सेक्शन का फंक्शन क्या होता है। आप इनकमिंग मटेरियल को पुल कर रहे हो जिससे कि स्ट्रेट रहे, और आउटगोइंग मटेरियल जो सिग्मा डी है ना, आगे से खींच रहे हो उसे टू ड्रॉ द मटेरियल। वी आर पुलिंग द मटेरियल फ्रॉम द फ्रंट टू ड्रॉ इट। वायर ड्रॉइंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। दो मिनट के लिए मेरी बात सुनो। जो मेटल फॉर्मिंग में देयर आर 5 मेथड्स टू कैलकुलेट द ड्राइंग फोर्स। देयर आर 5 मेथड्स टू कैलकुलेट द ड्राइंग फोर्स। अपर बाउंड थ्योरम, लोअर बाउंड थ्योरम, स्लैब एनालिसिस, स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी एंड जॉनसन्स इक्वेशंस। आपके सिलेबस जो गेट का सिलेबस है इसमें सिर्फ स्लैब एनालिसिस और जॉनसन्स इक्वेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओनली स्लैब एनालिसिस और जॉनसन्स इक्वेशंस हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बाद में माथा पच्ची भी नहीं पड़ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम कुछ टीचर्स का या फिर जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं कुछ लोग, उनका एक हैबिट पड़ गया है नई इक्वेशंस देना। ये इक्वेशन कोर्स में नहीं है। जो इक्वेशन स्लैब एनालिसिस या जॉनसन्स इक्वेशन से आती हैं वो कोर्स में आपका उसका P&I का सिलेबस देखो, उसमें क्लियर मेंशन है। चलिए चीज़ें तो थोड़ा इसलिए मैं बता रहा हूँ, फॉर्मिंग में जो मैं सजेस्ट करूँ वो फॉलो करो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आपको। तो मैं स्लैब एनालिसिस क्रैश कोर्स में नहीं करूंगा। मैं स्लैब एनालिसिस क्रैश कोर्स में नहीं करूंगा। डाइलैंड क्या होता है, डाइलैंड क्या होता है, जैसे देखो यहां पे सडनली इंक्रीज हुआ तो ये वाला पोर्शन टूट जाएगा ना, ये वाला टूट जाएगा तो डाई जल्दी खराब हो जाएगी, डाई जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए हम थोड़ा डाइलैंड प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारा ये पोर्शन स्टेबल रहे। ओके जो गेट में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं स्लैब एनालिसिस से। जो गेट में जो क्वेश्चन आते हैं स्लैब एनालिसिस से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। वायर ड्राइंग में विद सिग्मा डी प्रेशर यू आर पुलिंग और बैक पुल इज 0। बैक पुल का पर्पस क्या होता था, टू कीप द वायर स्ट्रेट। अगर वो 0 हो तो हमारी इक्वेशन ये आती है, सिग्मा डी इक्वल्स टू सिग्मा नॉट 1 + b/v 1 - af मीन्स आउटसाइड आउटगोइंग एरिया, इनकमिंग एरिया b। b क्या होता है, इज अ म्यू कॉट अल्फा। ये इसका प्रूफ में नहीं जा रहा क्योंकि हमारा क्रैश कोर्स है, रेगुलर कोर्स में हम डिटेल में जाएंगे। इसका क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, मेरे ख्याल से इसका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्योंकि सिग्मा भी डालेंगे तो यहां पे एक टर्म आ जाएगी सिग्मा भी की। ध्यान से देखो, अरे क्यों नहीं, बिल्कुल है सिलेबस में। इसका गेट में क्वेश्चन देखो, नंदा गेट का क्वेश्चन देखो ना, सवाल आए हुए हैं, सिलेबस में नहीं है। कौन कह रहा है सिलेबस में नहीं है? ये हर तरह की थ्योरी फ्लोट हो रही है। फॉर्मिंग प्लीज फॉलो व्हाटएवर आई सजेस्ट। ओके, सिलेबस में गेट में है, आया क्वेश्चन देखो यार, PYQ देखो 2020 से 22 तक के 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी के ऊपर। हाँ, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे 2 मिनट के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, उस टाइम इक्वेशन दिया था पर आपको मालूम तो होना चाहिए कैसे यूज करना है। 2 मिनट के लिए सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। देखो सुनो, ये इक्वेशन कैसे आई, स्लैब एनालिसिस में एट आर इज इक्वल्स टू आर आई अगर सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 0 रखूंगा मैं तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये है आपका वायर ड्राइंग। यानी आपकी बाउंड्री कंडीशन जो थी, जो बाउंड्री कंडीशन थी वो एंट्री पे थी, या ये म्यू है, म्यू यू नहीं है, म्यू म्यू कॉट अल्फा, बी इक्वल्स टू म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर ये क्वेश्चन तो गेट में दिया हुआ था, इक्वेशन दे रखी थी 2020 के फोर्जिंग क्वेश्चन में, क्या करेंगे आप, उसमें तो कुछ भी नहीं दे रखा था, आपको डायग्राम दे रखा था, एक बिलेट है फोर्ज किया, बताओ स्ट्रेस क्या होगी। तो अनलेस एंड अनटिल आपको ये इक्वेशन और स्लैब एनालिसिस नहीं आती, बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शॉर्टकट्स मत अपनाइए, जो कह रहा हूँ वो कीजिए, ठीक है। अरे कुछ कुछ क्वेश्चन आ गए क्या, देखते हैं। हाँ, या करेक्ट, वेरी गुड। 5 क्वेश्चन आए हैं सर, अच्छा वेरी गुड आदित्य कुमार, वेरी गुड वेरी गुड। मैं दोबारा से बताऊंगा क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर देने लगा था। मैं दोबारा से इसे दोबारा से सुनिए। वायर ड्राइंग में मैं सामने से पुल कर रहा हूं, सिग्मा डी निकालना है मेरे को। तो बाउंड्री कंडीशन एंट्री पे थी, क्या बाउंड्री कंडीशन थी, एट आर इक्वल्स टू आर आई सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी, जो बी है बी इक्वल्स टू म्यू कॉट अल्फा। ये आपकी स्लैब एनालिसिस है, ये स्लैब एनालिसिस है। पर जो एक्सट्रूजन है ना उसमें एग्जैक्टली उल्टा है, सेम डाई है, सब कुछ सेम ही है। जैसे ये भी आपका सेमी डायंगल, सबको सेम ही है, पर इसमें बाउंड्री कंडीशन उल्टी है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सट्रूड करने के लिए पीछे से प्रेस कर रहे हैं, पीछे से प्रेस कर रहे हैं। हमारी बाउंड्री कंडीशन एग्जिट पे है, एट आर इक्वल्स टू आर एफ सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा 0। तो क्या होगा, ये चीज उल्टी हो जाएगी। और इस फैक्टर को पॉजिटिव बनाने के लिए आगे रख लो इसे, सेम बी इक्वल्स टू एग्जैक्टली सेम। ये फैक्टर उल्टा हो गया, क्यों उल्टा हो गया, कि हमारी बाउंड्री कंडीशन यहां पे थी एंट्री पे, वहां एग्जिट पे शिफ्ट हो गई। तो सेम इक्वेशन एक्सट्रूजन के लिए वैलिड होगी, सेम इक्वेशन एक्सट्रूजन के लिए वैलिड होगी। और जो आप सिग्मा नॉट देख रहे हैं आप ना, सिग्मा नॉट, सिग्मा नॉट इज कॉल्ड एवरेज फ्लो स्ट्रेस और मीन फ्लो स्ट्रेस। एवरेज फ्लो स्ट्रेस और मीन फ्लो स्ट्रेस, ठीक है ना। एवरेज फ्लो स्ट्रेस और मीन फ्लो स्ट्रेस। अरे भैया ये जो अज्जू है ना, मेटेरियल साइंस के 5 लेक्चर से दोबारा देख लो। अच्छा वेरी गुड उत्कर्ष, हाँ वेरी गुड। I taught you, I think. I'm talking to Utkarsh. I think I taught you single point cutting tool. That one I think I was there. Okay. तो मेटल फॉर्मिंग दोबारा पढ़ रहे हैं यहाँ पे आप। Alright, उत्कर्ष। चलो पर ये क्रैश कोर्स है भाई, फुल या आई थिंक इफ आई सी योर फेस आई विल रिकॉग्नाइज, बिकॉज आई नेवर फॉरगेट माय स्टूडेंट्स। इफ आई सी यू फेस टू फेस आई विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज यू, ओके ना। या हाँ, इसी के बारे में बात करने वाला हूँ विनय, मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। एग्जाम में आपको मीन फ्लो स्ट्रेस और एवरेज फ्लो स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी जो डेटा दे रखा है, फाइनल एरिया है, इनिशियल एरिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और सेमी डायंगल, ये ध्यान रखना है सेमी डायंगल, उसे भी निकल आएगा। अब बचा बात सिग्मा नॉट का, सिग्मा नॉट कैसे निकलेगा। अब मेरी बात 10 मिनट के लिए ध्यान से सुनो। हाँ बी की वैल्यू सेम है बहुत में, म्यू कॉट एल्फा, एल्फा सेमी डाई एंगल है और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डाई एंड द मटेरियल। अब देखो ऐसा है, ऐसा है, हम यूपी बिहार में ऐसे बोलते हैं ऐसा है, कैसन है। ये सिग्मा नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेस्ड ऑन हाँ बेस्ड ऑन द डेटा गिवन हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा नॉट। देखो ऐसा करो, अमरा वगैरह जो डिस्कशन चल रहा है ना आप इसे पढ़ लो जरा भी ऐसा नहीं होता। सुनो सुनो सब लोग, देखो भाई ऐसा करो, हाँ 10 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, क्या कह रहा हूं मैं। बेस्ड ऑन द गिवन डेटा आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज सिग्मा नॉट। ठीक है सब लोग, अब है ना सब लोग। क्वेश्चन 5 मिनट के बाद। अभी केस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज सारी मेटल फॉर्मिंग की कैलकुलेशन इसी 10 मिनट के डिस्कशन पर टिकी हुई है, इसी 10 मिनट के डिस्कशन पर टिकी हुई है। भाई देखो नोट्स के लिए मैंने जो मेल में थे सब क्लियर कर दिया मैंने, दोबारा भेज दो वरना नहीं आया दोबारा भेजो, टुमारो मॉर्निंग आई विल डू दैट। सो मेटल फॉर्मिंग का जो कैलकुलेशन है सभी इसी 10 मिनट पर टिकी हुई है। अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से सुनिए प्लीज, आप यहां गलती नहीं होनी चाहिए भाई, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन इन मेटल फॉर्मिंग। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है आपको, क्वेश्चन में सिर्फ यील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है, क्वेश्चन में सिर्फ यील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है, इसका मतलब यह हुआ इनडायरेक्टली क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है आपसे? इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है? मटेरियल इज फॉलोइंग इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक, सो टेक द यील्ड स्ट्रेंथ एज सिग्मा नॉट एंड डू द कैलकुलेशन। टेक यील्ड स्ट्रेंथ एज सिग्मा नॉट एंड डू द कैलकुलेशन। आप बहुत केयरफुल रहिए मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैं बहुत केयरफुल रहिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर यील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है और कोई डेटा नहीं दे रखा मटेरियल का, तो इसका मतलब यह है वो क्वेश्चन कह रहा है मटेरियल इज इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक, तो ऐसा करो यील्ड स्ट्रेंथ को सिग्मा नॉट ले लो और पुट द सिग्मा नॉट इन आवर इक्वेशन एंड गो अहेड विद द आंसर। केस 2, अगर क्वेश्चन में यील्ड स्ट्रेंथ और एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है आपको, अगर क्वेश्चन में यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है आपको और कोई डेटा नहीं दे रखा, आपको सिर्फ यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी और कोई डेटा नहीं दे रखा, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे ये बोल रहा है material is elastic and the linear work hardening, तो ये आपका आएगा yield strength, ये आपका ultimate tensile strength and हमारा जो sigma naught होगा वो यहाँ पे आएगा। तो sigma naught will be nothing but ys plus uts डिवाइड बाई टू। तो अगर ys और uts दे रखा है तो मैं इसे लूंगा और अपना सॉल्यूशन आगे बढ़ाऊंगा। अरे भाइयों सब लोग ठीक ठाक हो? गुड अनुज केडिया, वेरी गुड। Okay, okay. I think you know I must have taught you somewhere before. तो समझ गए क्या करना है आपको? And response to one question, भाई देखो जो वो लोग पढ़ा रहे हैं वो भी मेरे या तो दोस्त हैं या स्टूडेंट हैं। समझ रहे हो ना, जहाँ से आपने पढ़ना है अभी, समझ रहे हो ना, मेरे या तो दोस्त हैं, बहुत अजीज दोस्त हैं भाई, मेरे किसी से दुश्मनी भी नहीं है, मैं सबको अपना दोस्त मानता हूँ और कुछ को बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ, या मेरे स्टूडेंट ही हैं तो ठीक ही पढ़ा रहे हैं सब लोग। टीचर कभी बुरा नहीं होता, टीचर इज़ ऑलवेज करेक्ट, टीचर हमेशा अच्छा आदमी होता है, आप स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो अगर यील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है तो ये लो आगे बढ़ो, वाई एस और यू टी एस दे रखा है सिग्मा नॉट, इसे लो आगे बढ़ो, इतना तो बात सही है ना। हाँ, बट सपोज आपको फ्लो कर्व इक्वेशन दे रखी है, अगर आपको फ्लो कर्व इक्वेशन दे रखी है तब क्या करेंगे आप? केस थ्री, केस थ्री क्वेश्चन में आपको फ्लो कर्व इक्वेशन दे रखी है, मतलब सिग्मा एफ इजिकल्स टू के एप्सिलॉन रेज टू पावर एन, स्ट्रेंथ कोफिशिएंट और वर्क हार्डनिंग एक्सपोनेंट दे रखा है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि जो हमारा मटेरियल है, वो इसी चीज फॉलो कर रहा है, इलास्टिक एंड वर्क हार्डनिंग। तो जब वर्क हार्डनिंग है इसका मतलब पता क्या है? अब इसे ध्यान से देखना, ठीक है ना, और ध्यान से देखना, कुछ मटेरियल यहां फ्लो हो रहा है, कुछ यहां पे, कुछ यहां पे, कुछ यहां पे। तो मेरे को निकालना है व्हाट इज दैट एवरेज स्ट्रेस और एवरेज प्रेशर एट विच द मेटल इज फ्लोइंग। अरे भाई यील्ड पॉइंट पर कुछ तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, यील्ड पॉइंट पर भी फ्लो हो रहा है, यूटीएस भी फ्लो हो रहा है, इन बिटवीन भी मेटल फ्लो हो रहा है, तो मेरे को निकालना है व्हाट इज द एवरेज प्रेशर एट विच द मटेरियल इज फ्लोइंग, व्हाट इज द एवरेज प्रेशर एट विच द मटेरियल इज फ्लोइंग। समझ रहे हो? इस एनालिसिस में मैं एज्यूम कर रहा हूं जो भी एक एनालिसिस करने वाला हूं, इस एनालिसिस में मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इलास्टिक स्ट्रेन्स आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू स्ट्रेन्स अप टू यूटीएस। जो हमारी इलास्टिक स्ट्रेंथ हैं वो तो 0.2% होती हैं और ये आएगा अराउंड 30 to 35%। सो 35 के कंपेयर में 0.2% में निगलेक्ट कर लूंगा मैं, ठीक है, मैं ये बड़ा अजम्पशन ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है ना। कंपेयर टू 35 जो नॉर्मल स्टील मटेरियल होता है जो अप टू यूटीएस द परसेंटेज एलोंगेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 35% और जो इलास्टिक रीजन होता है इज अप्रॉक्सीमेटली 0.2%। तो मैं निगलेक्ट कर रहा हूं उसमें, ठीक है ना। तो आप ऐसा करो, एक एलिमेंट ले लो यहां पे ऑफ थिकनेस डी एप्सिलॉन, बिकॉज द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज सिग्मा एफ इज इक्वल टू के एप्सिलॉन रेज टू पावर एन, और जो टोटल स्ट्रेन है अप टू यूटीएस लेट अस से दिस इज एप्सिलॉन 1। हम ट्रू स्ट्रेन की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, हम टोटल स्ट्रेन इज अप अप टू यूटीएस इज एप्सिलॉन 1। तो जो हमारा मीन फ्लो स्ट्रेस है, मीन फ्लो स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉमिनल स्ट्रेस। तो इसका एवरेज कैसे निकलता है? 1 बाई एप्सिलॉन 1 इंटीग्रल 0 टू एप्सिलॉन 1 सिग्मा एफ डी एप्सिलॉन। ऐसी तो एवरेज निकलेगा, अरे ऐसी तो एवरेज निकलेगा। हाँ, रेड कलर यूज नहीं करेंगे, डोंट वरी, रेड कलर यूज नहीं करूंगा मैं कि रेड चक्कर क्या, मैं सेक्शन लेना चाहता था मैं, ठीक है ना। आपको कलर कॉन्ट्रास्ट है। देखो एक चीज बताता हूँ आपको मैं, ऑफकोर्स ऑनलाइन है, थोड़ा कुछ बताने में डर भी लगता है मेरे को ठीक है ना। हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ जो लोग इंटरव्यू में पहुँच गए ना उसके बाद मेडिकल होता है, चाहे कोई पीएससी ले लो। तो कुछ लोगों की पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस होती है। आप टेंशन नहीं लेने का, आप फेस टू फेस बात करो मेरे से, नॉट ऑन रिकॉर्ड। मैं आपको बताऊंगा, आपके अगर सीवियर कलर ब्लाइंडनेस, कुछ लोगों को रेड कलर से क्या होता है ना, कभी कभी रेड कलर नहीं दिखता, रेड कलर दूसरा कलर दिखता है। अगर पार्शियल है उससे कुछ कर सकते हैं, पर जब हम इंटरव्यू में जब एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे हम, या अपने दोस्त हैं मेरे जो, हाँ, जो हमारे गेट वाले में, उनको भी बता दूंगा मैं, ठीक है, कैसे मैनेज करना है इसे। पर इसे हम ऑफलाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब मेरे को एवरेज निकालना है, तो करो यहाँ पे सिग्मा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन 1 इंटीग्रल सिग्मा एफ की वैल्यू रखो के एप्सिलॉन इज टू पावर एन डी एप्सिलॉन, ये 0 टू एप्सिलॉन 1। तो 1 बाई एप्सिलॉन 1 के एप्सिलॉन इज टू पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 0 टू एप्सिलॉन 1, ये कट जाएगा यहाँ पे। तो सिग्मा नॉट इज इक्वल टू के एप्सिलॉन 1 रेज टू पावर एन ओवर एन प्लस 1। आप सब लोग अटेंटिव है ना, एवरीबडी इज अटेंटिव ना। तो ठंडा दिमाग दोबारा से, क्यों यहां पे 95% बच्चा गलती करता है। नाइन्टी 5% बच्चे यहां पे गलती करते हैं। अगर आपको पूरी फ्लो कर्व इक्वेशन दे रखी है तो आप सिग्मा नॉट की जगह पे ये यूज करेंगे। अगर आपको पूरी फ्लो कर्व इक्वेशन दे रखी है तो सिग्मा नॉट की जगह ये यूज करेंगे। आपको दो बातों का ख्याल रखना है यहां पे। आपको इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट करने में दो बातों का ख्याल रखना है। चीयर्स चीयर्स। ये लस्सी है और कुछ नहीं है। सिग्मा नॉट इज इक्वल टू के एप्सिलॉन इज टू पावर एन ओवर एन प्लस 1। डोंट अप्लाई ब्लाइंडली, डोंट अप्लाई ब्लाइंडली। आपको दो बातों का ध्यान रखना है। बात नंबर 1, बात नंबर 1, जो हमारी ट्रू स्ट्रेन है ना, ट्रू स्ट्रेन, we will calculate true strain, we will calculate true strain, the direction in which the load is applied, we will calculate true strain in the direction in which the load is applied. For example, if it is a wire drawing, epsilon is ln lf by li, क्योंकि हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो रोड लगा रहे हैं। बट इफ इट इज अ फोर्जिंग, एप्सिलॉन इज नथिंग बट एलएन एच आई बाई एच एफ, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो हाइट डायरेक्शन में लग रहा है। तो बात नंबर 1, जहां पे जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू लूंगा ना मैं एप्सिलॉन किस डायरेक्शन में लगाऊंगा, द डायरेक्शन इन विच द लोड इज अप्लाइड इन द मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन, the direction in which the load is applied in the metal forming operation. ठीक है, बात नंबर 2. यार इस सेक्शन को भूलना मत. बात नंबर 2, except forging, I will use this formula. पर forging में ये formula यूज नहीं करूंगा, forging में ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा मैं. इनके साथ फोर्जिंग आई विल यूज डायरेक्ट फॉर्मूला. आई विल नॉट कैलकुलेट एवरेज. अरे आप अटेंटिव है ना ये दोनों पॉइंट को. फोर्जिंग में मैं एवरेज कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा. इसके दो रीजन है. जो फोर्जिंग होती है ना द लोड इज इंस्टेंटेनियस, धक धक. बिकॉज इन वायर ड्रॉइंग और लेट अस से रोलिंग और एक्सट्रूजन सम टाइम इज अवेलेबल फॉर डिफॉर्मेशन, बट इन फोर्जिंग इट इज ऑलमोस्ट ए सडन. तो फोर्जिंग में मैं एवरेज कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली यूज करूंगा मैं. आप समझ रहे हो ना? हाँ. तो सिग्मा नॉट कैसे कैलकुलेट करूंगा मैंने आपको बता दिया भैया. सिग्मा नॉट में कैसे कैलकुलेट करूंगा मैंने आपको बता दिया है. Again, you can be active on the chat box because I told you not to use chat box for 10 minutes. ठीक है ना? Okay. All right. मैं आगे बढ़ रहा हूँ. Now, gate में एक चीज और आती है. आपने ये फॉर्मूला देखा ना, सिग्मा डी इजिकल्स टू सिग्मा नॉट 1 + b/b (1 - AF/AI)⁴ ये आपकी स्लैब एनालिसिस का फॉर्मूला है. ये आपकी स्लैब एनालिसिस का फॉर्मूला है. ठीक है ना? ओके. गेट में एक क्वेश्चन और आते हैं इससे. Suppose friction is not given to you. In the gate question, let us say coefficient of friction is not given to you. जो gate में आपका question है उसमें coefficient of friction नहीं दे रखा. Forging के लिए कल देखेंगे. सौमिल मौर्या कल forging point में कल दोबारा रिपीट करूंगा. डोंट वरी बिकॉज देर आर 3-4 स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट फोर्जिंग. फोर्जिंग के बारे में कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे. आज मैं थोड़ा वायर ड्रॉइंग उस पर वो दोबारा रिपीट करेंगे. डोंट वरी. अगर गेट के क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दे रखा, इसका मतलब वो 0 है. प्लीज आप थोड़ा केयरफुली देखिए यहां पर. ठीक है ना? ठंडे दिमाग से, क्यों हमारे आजकल बहुत बच्चों का दिमाग गर्म होता है क्योंकि उल्टी सीधी चीज़ें सोचते रहते हैं. इसलिए थोड़ा भजन करो आधा घंटे के लिए, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं. अगर मुस्लिम है तो मॉर्निंग की नमाज अदा करो, अगर सिख हैं तो गुरुद्वारे जाओ कम से कम आधा घंटे के लिए, क्रिश्चियन है तो चर्च जाओ कम से कम, संडे संडे चर्च जाओ मॉर्निंग भाई आधा घंटे के लिए। गॉड को जरूर रिमेंबर करो, इससे करैक्टर इंप्रूव होगा और दिमाग शार्प होता है इससे, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं आधा घंटे करो जो भी है। और यहाँ ठीक से देखो इसे, गेट का में या कहीं कोई क्वेश्चन आया है वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दे रखा, इसका मतलब जीरो है। इसको बोलते हैं हम आइडियलिस्टिक केस, आइडियलिस्टिक केस, और उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो होता है। और आप ये अगर प्रूफ करेंगे ना सेम सिलेबस, इसमें डायरेक्टली म्यू इसमें जीरो मत रखना, आपका कोई आंसर नहीं आएगा। जहां से ये प्रूफ हुआ था क्रैश कोर्स में, इसमें जान ही रहे, अगर उसमें म्यू जीरो रखेंगे ना, सो देखो ये आएगा सिग्मा डी इक्वल्स टू सिग्मा नॉट एल एन ए आई बाई ए एफ। और एक्सट्रूजन में ए आई बाई ए एफ को बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं एक्सट्रूजन रेशो, इसको बोलते हैं एक्सट्रूजन रेशो। तो ये फॉर्मूला आता है। तो गेट में डायरेक्टली इस फॉर्मूला बेस्ड भी काफी क्वेश्चन आते हैं, गेट में इस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड में भी काफी क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे, मैं आपको पॉइंट ये अभिर रॉय, कैन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन अगेन टुमारो, आई विल एक्सप्लेन बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अभिर रॉय, रियली वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ आज 11 बजे तक, बिकॉज माई क्लास इज अप टू 11 o'clock, ठीक है ना। ध्यान से सुन मैं क्या कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, डिफरेंट वर्जन। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इज द मैक्सिमम रिडक्शन वी कैन गिव टू द मटेरियल इन वायर ड्राइंग। तो वायर ड्राइंग पता है कर क्या रहे हैं आप, ये डाई है और इनकमिंग मटेरियल आउटगोइंग मटेरियल, तो आप आउटगोइंग मटेरियल को पुल कर रहे हैं आप ना, यू आर पुलिंग द आउटगोइंग मटेरियल, ऐसा ही तो कर रहे हैं। अगर मैं मटेरियल का परसेंटेज रिडक्शन बढ़ाऊं, अगर मैं मटेरियल का परसेंटेज रिडक्शन बढ़ाऊं, परसेंटेज रिडक्शन क्या होता है, ए आई माइनस ए एफ डिवाइड बाई ए आई इंटू 100, ये होता है परसेंटेज रिडक्शन। अगर इसको मैं बढ़ाऊं, परसेंटेज रिडक्शन बढ़ाया तो ड्राइंग स्ट्रेस भी बढ़ेगी, परसेंटेज रिडक्शन बढ़ाया तो ड्राइंग स्ट्रेस भी बढ़ेगी। मतलब जिस स्ट्रेस से आगे से खींच रहे हैं आप वो सिग्मा डी बढ़ेगा। अगर आपने परसेंटेज रिडक्शन बढ़ाया तो जिस प्रेशर से खींच रहा है वो भी बढ़ेगा, करेक्ट ना। नाउ एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ परसेंटेज रिडक्शन, अगर सिग्मा डी सिग्मा नॉट के बराबर हो गया, अगर सिग्मा डी सिग्मा नॉट के बराबर हो गया तो पता है वायर ड्रॉ नहीं होगा। आप खींच रहे हैं ना, तो जैसे खींचेंगे वायर टूटने लगेगा, जैसे खींचेंगे तो वायर टूटने लगेगा। यू कैन नॉट ड्रॉ द मोमेंट सिग्मा डी बिकम्स इक्वल टू सिग्मा नॉट, यू कैन नॉट ड्रॉ, एंड दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग लिमिट, एंड दिस इज कॉल्ड drawing limit. You cannot draw the moment sigma d because to sigma d becomes equal to sigma naught, you cannot draw. तो sigma d equals to sigma naught इसमें रखो, equals to sigma naught ln ai by af, ठीक है। sigma one sigma naught कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो can I say ए आई बाई ए एफ इज इक्वल्स टू ई, एंटी लॉग ले लेंगे तो ई आ जाएगा, नेचुरल लॉग है ना, तो परसेंटेज रिडक्शन, मैक्सिमम परसेंटेज रिडक्शन दैट कैन बी गिवन टू द मटेरियल, यहाँ पे क्या है 1 माइनस ए एफ बाई ए आई इंटू 100, यही तो है ना, ए आई ए एफ आई आई, ए आई बाई ए एफ इज ई, सो इट इज 1 माइनस 1 बाई ई इंटू 100. अगर इसे सॉल्व करेंगे इट इज 63%. सो इन द मोस्ट आइडियलिस्टिक कंडीशन, so in the most idealistic condition 63% reduction can be given to the material. Beyond that we cannot give deformation, beyond that we cannot give deformation to the material. Everybody's okay? Everybody's okay? Now let us see, there is some chat box. Yeah, you are correct Somil Mishra, you are correct. हाँ, या सैन रॉय, देखिए वर्क हार्डनिंग क्या होती है, पाइलिंग ऑफ डिसलोकेशन एट द ग्रेन बाउंड्री दैट प्रोड्यूसेस बैक स्ट्रेसेस, दैट इज कॉल्ड वर्क हार्डनिंग. तो कोल्ड वर्किंग में तो वर्क हार्डनिंग होगी. हॉट वर्किंग में क्या होता है, बिकॉज द टेम्परेचर इज अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो जो हमारा डिसलोकेशन पाइल अप था ग्रेन बाउंड्री पे, दैट डाइज आउट. सो वी से दैट देयर इज नो वर्क हार्डनिंग इन द हॉट वर्किंग. ओके, आई होप एवरीबडी इज ओके नाउ. Nida Bashir, I think you are also from Kashmir. Huh? So now you see little bit about extrusion. Little bit about extrusion. There are 4 types of extrusion process. One is called direct extrusion. In the direct extrusion, there is a container and see the die will be here. ये हमारा पिस्टन है और ये हमारा बिलेट है, ये हमारा बिलेट है, ठीक है ना, और ये हमारा एक्सट्रूडेड पार्ट ऐसे आ रहा है यहाँ से. लेट अस से L is the length of billet and D is the diameter of billet, a small d is the diameter of extruded part. तो direct extrusion में क्या होता है, extruded part comes out in the same direction as that of piston movement. जो हमारा extruded part है it comes out in the same direction as that of piston movement. एक होता है reverse extrusion. एक होता है रिवर्स एक्सट्रूजन. रिवर्स एक्सट्रूजन में क्या होता है, हमारी जो डाई होती है, डाई पिस्टन में होती है हमारी. देखो ये हमारा पिस्टन है, इसे ऐसे प्रेस कर रहे हैं और एक्सट्रूडेड पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में आता है, दिस इज द बिलेट. तो बैकवर्ड और रिवर्स एक्सट्रूजन में डाई हमारी पिस्टन में होती है, तो एक्सट्रूडेड पार्ट कम्स आउट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ पिस्टन मूवमेंट. एक्सट्रूडेड पार्ट कम्स आउट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द पिस्टन मूवमेंट. यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमने 15 मिनट पहले एक्सट्रूजन का एक फॉर्मूला दिखाया था आपको. एक्सट्रूजन का फॉर्मूला दिखाया था सिग्मा डी इक्वल्स टू सिग्मा नॉट 1 प्लस बी बाई बी ए आई बाई ए एफ रेज टू पावर आर माइनस 1. ये फॉर्मूला था ना, ये पता है फॉर्मूला किसका था, डाई का. जो डाई है ना ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं, बहुत बहुत सरल चीज है। यहां पे डाई जो यहां पे है, डाई ये है, तो मेटल को डाई में डिफॉर्म होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी एनर्जी चाहिए, और दोनों सेम होंगी, रिवर्स और डायरेक्ट, दोनों में डाई में डिफॉर्मेशन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। पर डायरेक्ट एक्सट्रूजन में थोड़ा थोड़ा एडिशनल एनर्जी चाहिए होती है। एज फार एज डिफॉर्मेशंस, वंस अगेन यू हियर प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज हियर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एज फार एज डिफॉर्मेशंस इन द डाइज आर कंसर्न, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्सट्रूजन सिग्मा डी विल बी सेम। अगर बाकी अगर अल्फा और म्यू सब सेम है तो दोनों सेम होगा। पर फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में जब आप पिस्टन मूव कर रहे हैं, सो एंटायर बिलेट इज मूविंग इन द ड्रम, एंटायर बिलेट इज मूविंग इन द ड्रम, एंटायर बिलेट इज मूविंग इन द ड्रम। तो ये जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन बिटवीन द बिलेट एंड ड्रम, फ्रिक्शन बिटवीन बिलेट एंड ड्रम, उसकी वजह से पिस्टन पे यू नीड टू अप्लाई एडिशनल प्रेशर सिग्मा एफ, क्योंकि बिलेट और ड्रम में फ्रिक्शन होगा, उसको ओवरकम करने के लिए आपको पिस्टन पे आपको एडिशनल प्रेशर डालना पड़ेगा सिग्मा एफ। तो टोटल प्रेशर यहां पे आएगा सिग्मा डी प्लस सिग्मा एफ, और यहां पे सिर्फ सिग्मा डी रहेगा, यहां पे सिग्मा डी रहेगा। तो इसलिए ना मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, नॉट इन बैकवर्ड एक्सट्रूजन। तो ये सिग्मा एफ कैसे निकलेगा? ये हमारा प्लेन स्ट्रेन केस है। प्लेन स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेन मींस फोनमाइसिस। प्लेन स्ट्रेन क्यों है ये? इससे चक्कर में भी ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता मैं, क्योंकि एक्चुअली अगर लाइव क्लास और पूरा टाइम होता हमारे पास, जैसे हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम थोड़ा गुफ्तगू भी कर लेते आधा घंटे के लिए, पर इतना टाइम है नहीं ना। हमारा बिलेट जो है ड्रम तोड़ के बाहर थोड़ी आएगा, सो दिस साइड मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, सो इट्स अ प्लेन स्ट्रेन केस। तो यील्ड स्ट्रेंथ इन शेयर इज नथिंग बट सिग्मा नॉट बाई रूट थ्री। सिग्मा नॉट उसी प्रोसीजर से निकालेंगे हमने जो बताया था, तो के डैश विल बी सिग्मा नॉट बाई रूट थ्री। तो सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे? सिग्मा फोर्स को इक्वल कर लो, सिग्मा एफ इज इक्वल टू पाई बाई 4 d स्क्वायर, ये फोर्स आ गया, और प्लास्टिसिटी के हिसाब से कितना फोर्स आया? के डैश। फ्रिक्शन एरिया कितना है? पाई डी एल। आप इससे सिग्मा एफ निकाल लोगे। तो इसको थोड़ा ध्यान देख लेना, हमने क्या फोर्स इक्वल किए हैं। के डैश इज द यील्ड स्ट्रेंथ इन शेयर, यील्ड स्ट्रेंथ इन शेयर, एंड बिकॉज इट्स अ प्लेन स्ट्रेन केस के डैश विल बी सिग्मा नॉट बाई रूट थ्री। अगर ये प्लेन स्ट्रेस होता, ट्रेस का हाइपोथेसिस होती, तो के डैश विल बी सिग्मा नॉट बाई 2, पर ये सिग्मा नॉट बाई रूट थ्री होगा, बिकॉज इट्स अ प्लेन स्ट्रेन केस। तो टोटल प्रेशर यहां पे आएगा सिग्मा डी प्लस सिग्मा एफ। इतना सही है। डायरेक्ट एक्सट्रूजन में फॉर्म करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, बैकवर्ड एक्सट्रूजन में हमें फॉर्म करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन, यहां पे 5 मिनट थोड़ा सा देखो मेरी तरफ। ना रिंकू, फ्रिक्शन आल्सो जनरेट्स एन रिवर्स एक्सट्रूजन। देखो ऐसा, सुनो, अच्छा क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। देखो डाई में फ्रिक्शन होगा, डाई में फ्रिक्शन होगा, उसको सिग्मा डी में हमने कंसीडर कर लिया ना, सिग्मा डी में हमने उसे। पर डायरेक्ट एक्सट्रूजन में एक एडिशनल फ्रिक्शन है, डायरेक्ट एक्सट्रूजन में एक एडिशनल फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बिटवीन बिलेट एंड ड्रम। बैकवर्ड एक्सट्रूजन में नहीं है, बैकवर्ड एक्सट्रूजन में तो बिलेट स्टेशनरी है ना, बैकवर्ड एक्सट्रूजन में तो बिलेट स्टेशनरी है। या सौमिल मौर्या, हमारी बाउंड्री कंडीशन चेंज हो गई, इसलिए हमारा ब्रैकेट के अंदर थोड़ा उल्टा हो गया, एक्सप्रेशन सेम ही है, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नो, मैं क्वेश्चन मेरा है भाई 8-10 क्वेश्चन लाइन में है, पर मैं थ्योरी करवाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं थोड़ा रैंडमली नहीं चलेंगे भाई, एक सिस्टम नहीं चलेंगे। 4 दिन है ना, कल कर लेंगे थ्योरी। प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम क्या है, आप टेंशन क्या को ले रहे हो? वो मेरी टेंशन है, मैं क्या करवाना है वो मेरी टेंशन है, ठीक है ना। ये हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में इसमें। ये आपका पिस्टन है और ये बिलेट है आपका। ये आपका बिलेट और इसमें ऑयल भरा हुआ है, हाइड्रोलिक फ्लूइड। तो हमारा पिस्टन बिलेट पर डायरेक्टली प्रेशर नहीं लगा रहा, एक हाइड्रोलिक फ्लूइड के थ्रू लगा रहा है। ये हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन जो है, दिस हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन वी यूज फॉर हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स। अगर मटेरियल थोड़ा हार्ड एंड ब्रिटल है, ये भी काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन इज मेंट फॉर हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ टीचर्स क्या पढ़ाते हैं बताया इसमें, कि हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में ब्रिटल मटेरियल क्यों फॉर्म करते हैं? क्या ब्रिटल मटेरियल के अंदर होते हैं क्रैक, तो प्रेशर से बंद हो जाते हैं क्रैक हो। ये अनफॉर्चुनेटली किसी बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है, अनफॉर्चुनेट पार्ट। ये गलत है एक्चुअली। मैं आपको देखो इसका आंसर बता रहा हूँ क्या है, और मैं ये भी समझता हूँ कि 90% जनता के समझ में नहीं आएगा आंसर, तो इसलिए आप रट लेना। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ 2 मिनट में, नहीं समझ में आया तो गोली मारना उसे। देखो जो हमारा जो स्ट्रेस टेंसर होता है ना, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ जेड वाई, वाई जेड, इट स्ट्रेस टेंसर है ना। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 0 0 0 सिग्मा वाई वाई, 0 0 0 सिग्मा जेड जेड। ये होता है हाइड्रोस्टैटिक, एन प्लस डिविएटर कंपोनेंट। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ों को। और अगर आप कोई भी थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी देख रहे हैं आप, तो 3 डायमेंशन में ना थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, जैसे वॉन माइसिस है, तो ये वॉन माइसिस सिलेंडर है, ठीक है। तो जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट है, that is acting along the longitudinal direction of the one mass cylinder, और जो deviator component है it is in the radial direction। ये deviator component है और ये hydrostatic component है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा जब हमारा resultant सिलेंडर के surface पर जाएगा। 100 बातों की एक बात, अगर ये हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट ज़्यादा है, यानी ये लेंथ ज़्यादा है, मटेरियल विल अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर इट फ्रैक्चर्स। तो इसमें हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाने से क्या करते हैं हम, इफ़ वी अप्लाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द वर्क, आर्टिफिशियली वी आर पंपिंग दिस पोर्शन। यानी आर्टिफिशियली हम क्या कर रहे हैं उसमें ना, कि उसके लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट को बढ़ा रहा है। तो मटेरियल विल अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर इट कैन फ्रैक्चर, तो इसलिए उसकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है मटेरियल की हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाने से। ऐसा नहीं है कि वो क्या नाम है इसका, क्रैक्स दब रहे हों, ऐसा ये गलत इंटरप्रिटेशन है। पर एक्चुअली आपके एग्जाम के लिए आप इतना रट लो, दैट हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन इज मेंट फॉर फॉर्मिंग हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। Okay na? Yeah, deviator along radial. Nader Bashir, you are correct. So hydrostatic extrusion is meant for hard and brittle material. देखो यहाँ तक मैंने कुछ थ्योरी डिस्कस की, ये थ्योरी भी क्रैश कोर्स था, अदरवाइज जो भी थ्योरी पढ़ाई है नॉर्मली इट टेक्स अराउंड 4 to 5 आवर्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं हमने, यानी डेरिवेशंस वगैरह मिस कर दी हैं क्योंकि वो पॉसिबल है नहीं। चलिए ठीक है ना, अब ऐसा करते हैं भाई लोगों, थोड़ा सवाल बना लेते हैं, सवाल बना लेते हैं थोड़ा सा। पहले इस तरह की प्रॉब्लम गेट में 2-3 प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक आई थिंक 2015 की प्रॉब्लम है जो आपके बोर्ड में दिख रही है, जरा पढ़ना प्रॉब्लम को, गेट 2015 की प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सवाल बनाएंगे भाई आप लोग अब, हाँ स्पेस है क्या? नहीं स्पेस नहीं है। ओके देखो, ऐसा जो मैंने प्लान किया था उतनी प्रॉब्लम शायद नहीं कर पाएंगे, बाकी प्रॉब्लम कल करेंगे ठीक है, इसकी जो हमारा सेक्शन है, और कल फिर फोर्जिंग भी करेंगे ठीक है। द फ्लो स्ट्रेस एंड एमपीए ऑफ द मटेरियल गिवन बाई 500 एप्सिलॉन रेज़ टू पावर 0.1 एमपीए। एमपीए कलर चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर रेड दिख नहीं रहा उन्हें। वेयर एप्सिलॉन इज द ट्रू स्ट्रेन, द यंग्स मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज 200 GPa. A block of thickness 100 millimeter is made of this material is compressed to 95 mm. So true strain will be calculated in the direction of applied load. So epsilon is nothing but ln H1 by H2, ln 100 by 95, ठीक है ना। एंड देन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड द फाइनल डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक इन मिलीमीटर इज, यानी ये फोर्ज करके 95 हाइट बना ली ठीक है ना। तो जैसे ही लोड उठाएंगे इसकी हाइट बढ़ेगी थोड़ी सी, DH. Why the height will increase? Because of elastic recovery. Why the height will increase? Because of elastic recovery. मैंने बताया था आपको ना, वायर ड्राइंग है, आपने लोड लगाया, जैसे ही हटाया लेंथ थोड़ी कम हो गई। फोर्जिंग है, प्रेस किया, जैसे ही हटाया आपने थोड़ा बढ़ेगा, इट्स कॉल्ड इलास्टिक रिकवरी। इलास्टिक स्ट्रेन्स विल रिकवर। नो अब इतनी जल्दी जम मत करो, इतना इजी नहीं है एक्चुअली ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये कंप्रेशन है, वी आर अप्लाइंग कंप्रेसिव लोड, तो कंप्रेशन में आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसे आया ठीक है ना। और ये सिग्मा है, तो लेट अस से आपने यहां तक लोड कर लिया है। अब ये कैसे निकलेगा? ट्रू स्ट्रेन यू हैव कैलकुलेटेड ना, H1 H2, तो इससे ट्रू स्ट्रेन निकल गई आपकी कितनी है, मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है ये 0.051। 0.051 इज द ट्रू स्ट्रेन। आपको ये निकालना है, ये ट्रू स्ट्रेन कितनी है यहां की, तो इसे रखो वहां पे। यू विल गेट, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे क्वेश्चन और सॉल्यूशन का डिफरेंट कलर हो। तो सिग्मा एफ इजिकल्स टू 500 एप्सिलॉन रेज़ टू पावर 0.1। अगर इसमें लगाएंगे तो निकालो जरा कितना आ रहा है, जरा निकालना, या आपने करके आए हो पहले क्या? करण भदौरिया, देखते हैं जरा। निकालो जरा 371.5 MPa आगे देखो इतना आ रहा है सबका या जो भी 371.5 MPa आना चाहिए या 371.5 MPa भाई तो थोड़ा सा संभल के चलना क्योंकि ना ऑन द रॉयल रोड देयर आर एक्सीडेंट्स ऑन द रॉयल रोड। आप प्रॉब्लम को समझो क्या है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और इस पे बेस्ड 2-3 प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी हैं पिछले 5-6 साल में देखा जाए तो आप ठीक है ना। अब देखो सुनो अब आपने मटेरियल को यहां तक लोड कर दिया इसे अनलोड करेंगे तो कुछ ये कर फॉलो करेगा ये अनलोड करेंगे तो ये कर फॉलो करेगा दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस और ये इवन जो है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक रिकवरी। इवन इज कॉल्ड इलास्टिक रिकवरी क्यों जो अनलोडिंग कर्व होगा दैट विल बी पैरेलल टू द इलास्टिक रीजन दिस वन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आपको शुरू होगी तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा ये तो ये है आपका और जो टोटल स्ट्रेन है यहां पे ये इवन तो इलास्टिक स्ट्रेन है जो टोटल स्ट्रेन है उसको ले लेते हैं लेटर से ई। ई क्या है टोटल स्ट्रेन इवन क्या है इलास्टिक स्ट्रेन जो मैंने आपको यहां रखा है। ई क्या है टोटल स्ट्रेन अप टू दिस सिग्मा एफ और इवन क्या है इलास्टिक रिकवरी। तो आप इवन निकालने के लिए आप हुक्स लॉ अप्लाई करोगे पर एक बात ध्यान रखना यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं तो ठंडे दिमाग से हुक्स लॉ में यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट सिग्मा डिवाइड बाई इवन। यहां पे जो सिग्मा जो है ना वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है ट्रू स्ट्रेस नहीं है जो सिग्मा जो है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है वो ट्रू स्ट्रेस नहीं है। हुक्स लॉ में ट्रू स्ट्रेस थोड़ी है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है और आपने जो निकाली है वो ट्रू स्ट्रेस है कि नहीं तो इसको पहले इंजीनियरिंग स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लो तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू सिग्मा नॉट ई प्लस 1 और एप्सिलॉन आपने ऑलरेडी निकाल दिया एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल एन ई प्लस 1। तो देखो ऐसा करो एप्सिलॉन की वैल्यू मालूम है ई प्लस 1 निकाल लो उसको यहां रख दो यू नो सिग्मा एफ यू नो दिस सो यू विल गेट सिग्मा नॉट। निकालो सिग्मा नॉट कितना आ रहा है थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा पर कैलकुलेट सिग्मा नॉट थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा बट कैलकुलेट सिग्मा नॉट जरा बताना जरा क्या आ रहा है कैलकुलेट सिग्मा नॉट। सिग्मा नॉट निकालो जल्दी से क्या आ रहा है देखो जल्दी करो जल्दी क्यों 11 बजने वाला है जल्दी करो थोड़ा सा क्योंकि 11 बजने वाला है। ओके चलो अब ऐसा करना मेरे को फाइनल आंसर देना नहीं गौरव मोहराना एक्चुअली थोड़ा सा ऑफर है आपका आंसर। देखो सुनो सब लोग बोर्ड की तरफ देखो 2 मिनट के लिए सब लोग बोर्ड की तरफ देखो आपका ये सिग्मा नॉट आ गया सिग्मा एफ क्या है ट्रू स्ट्रेस सिग्मा नॉट क्या है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो सब लोग बोर्ड पे देखो वेरी गुड सब लोग बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए बहुत क्रिटिकल चीज पे आ गया हूं मैं। आपने क्योंकि हुक्स लॉ में सिर्फ इंजीनियरिंग स्ट्रेस आता है हुक्स लॉ में सिर्फ इंजीनियरिंग स्ट्रेस आता है, ट्रू स्ट्रेस नहीं आता, ध्यान रखना इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस रीजन में मैं हुक्स लॉ लगा रहा हूं, in this region I am applying the Hooke's law। Anyway जो क्वेश्चंस हमने सेट करे हैं इसमें हमारे एक टीम वाले हैं मेंबर हैं रोहित जी, उन्होंने बहुत मेहनत की इन क्वेश्चंस को डिजाइन करने में, तो कल उनके क्वेश्चन को जरूर करेंगे, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो देखो हमें अब हुक्स लॉ इस रीजन में लगा रहा हूं मैं, तो देखो सिग्मा नॉट डिवाइड बाई ई1, सिग्मा नॉट डिवाइड बाई ई1 इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, क्योंकि हमारा जो हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ कैन बी अप्लाइड ओनली विद द इंजीनियरिंग स्ट्रेस ओनली इन द इलास्टिक रीजन। सो यहां से यहां तक पूरी स्ट्रेट लाइन है, ई1 क्या है, इलास्टिक रिकवरी। तो देखो आपने जो सिग्मा नॉट निकाला, यहां से सिग्मा नॉट रखो, ई की वैल्यू आपको मालूम है 200 GPa, 10 to the power 3, क्यों, GPA है या MPA है, तो आप E1 निकालेंगे, E1 आ जाएगा, E1 इज नथिंग बट DH/95, क्यों, देखो यहां तक तो आ गया 95 हाइट, उसके बाद इलास्टिक रिकवरी हुई ना, ये कंप्रेशन में कर्व है, सो E1 इज नथिंग बट DH/95 एंड फाइनल हाइट विल बी 95 प्लस DH। तो मेरे को बताना फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसका, आंसर व्हाट इज द फाइनल हाइट, कैन यू टेल मी नाउ आंसर, दिस इज द आंसर, डू इट नाउ, डू इट। समझ गए ना, जोर का झटका धीरे से लगता है कभी कभी ना, जोर का झटका धीरे से लगता है, तो अब बताओ इसे, अब ऑलरेडी 7, अब बताओ मेरे को इसका आंसर फाइनली क्या आ रहा है, करो जल्दी से करो। पर हम कल जो लेक्चर की शुरुआत करेंगे वो क्वेश्चन से करेंगे, 5-6 क्वेश्चन है मेरे पास बहुत अच्छे, तो उसे शुरुआत करेंगे इसकी। या ओके अमनकांत, वेरी हैप्पी टू सी द आंसर, बट थोड़ा 3 डिजिट तक तो देते मेरे तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, क्योंकि IIT में कभी कभी, या वेरी गुड अशोक, वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड 95.167, दैट इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड एनिमेश नंदा, वेरी गुड बशीर, वेरी गुड। भाई देखो इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इस पर मैंने लास्ट में टाइम स्पेंड किया। आई वॉज प्लानिंग टू डू एटलीस्ट 10 or 12 क्वेश्चन, बट आज हो नहीं पाया, कल कंटिन्यू करेंगे, देन कल वी विल गेट इनटू फोर्जिंग, देन वी विल गेट इनटू फोर्जिंग थ्योरी एंड सम फोर्जिंग न्यूमेरिकल्स, ओके ना। सबका आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है शक्तिमा जी। इस क्वेश्चन में अगर रिवाइज करेंगे ना आप, इस क्वेश्चन को दोबारा करिए, क्योंकि इसके बेसिस पर 2-3 क्वेश्चन 5-6 साल में ऑलरेडी आ चुके हैं, पर ये सबसे अच्छी क्वेश्चन था, ठीक है। तो भाई देखो टुडे इज ऑलरेडी 11 o'clock, सो आई विल क्लोज फॉर द नाइट एंड टुमारो अगेन वी विल मीट एट 9 o'clock। उसमें क्या करेंगे, कुछ सवाल करेंगे, फोर्जिंग पढ़ेंगे, फिर फोर्जिंग के सवाल करेंगे, तो ये हमारा टारगेट है कल का। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, those who want they can mail me, okay na, thank you very much, good night, see you tomorrow at 9 o'clock, thank you।